प्राचीन काल की बात है, जब इस दामोदर एवं भैरवी के रमणीक संगम स्थल पर राज नामक राजा शिकार करते हुए पहुंचे थे। स्थल की महत्ता से भाव विभोर होकर उन्होंने सिपाहियों सहित वहीं पड़ाव डाल दिया। उसी मध्य रात्रि राजा को स्वप्न में एक दीप्त कन्या ने उनके निसंतान होने का दुख बतलाया। इस अद्भुत स्वप्न को देखते ही राजा की आंखें खुल गई और वे उसी समय संगम स्थल की ओर चल पड़े। भंडादेह के निकट पहुंचते ही जल से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई, जिसका रूप अलौकिक था। लाल वस्त्र, गले मुंडमाल, एक हाथ में शंख तथा दूसरे में कटार थी। राजा को भयभीत देखकर माता ने अपने छिन्नमस्ता यानी प्रचंड चंडिका रूप का परिचय देते हुए उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया। फिर देवी माँ संगम स्थल के समीप अपने मंदिर में उसे प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना की विधि बतलाई और अंदर ध्यान हो गए। कहा जाता है कि राजा जब मंदिर में पहुंचे तो वहां उन्होंने छिन्नमस्ता देवी का दिव्य रूप अंकित पाया। उसी क्षण वो देवी की अर्चना में लीन हो गए। तभी श्री छिन्नमस्ता देवी साक्षात प्रकट होकर अति प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे राजन, मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि आज से तुम दोनों प्राणियों राज व रूपमा के नाम से ये तीर्थ स्थल राज रप्पा के रूप में विश्व विख्यात होगा। माता तो अंतर ध्यान हो गई, पर राजा ने सचमुच